हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड ऑन व्हील्स कलकत्ता पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये आपका दही घाट का नज़ारा है। कैमरामैन थोड़ा आप नदी की ओर दिखाइए और थोड़ा बताइए दर्शकों को कैसा अभी जैसे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि पूरा देश भर में लॉकडाउन का माहौल है और लॉकडाउन हो चुका है, वैसे ही कोलकाता में भी लॉकडाउन हो चुका है और यहाँ 5वां दिन है लॉकडाउन का। तो दोस्तों, कैसा गुजर रहा है यहाँ लॉकडाउन, कैसा हालत है, लोग बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगा इस वीडियो में। और साथ ही मोटो ब्लॉग करके आपको बताया जाएगा कि बाज़ारों में भीड़ लग रही है, गैदरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स दिया जाएगा। तो चलिए हम मोटो ब्लॉग करके आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि कैसा माहौल है। तो चलिए मोटो ब्लॉग करके चलिए देखते हैं हम लोग। ये आपके चैपल रोड की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पे देखते हैं कभी फ़िलहाल कोई तो ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है यहाँ पे। और ये मैं अभी खिदीपुर की तरफ चल रहा हूँ, यहाँ पे भी कोई ट्रैफिक नहीं है। जैसे नॉर्मल डे में आपका बहुत सारे जो गाड़ियाँ रहती थी, अभी कुछ भी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं पूरा ही खाली है, पूरा रोड खाली है इसमें। और अपना नज़ारा भी देख सकते हैं, बहुत ही मैंने कुदरत का बहुत अच्छा सा नज़ारा इसमें देखा जा सकता है इसमें। ये अभी मैं यहाँ पे हेस्टिंग मोड़ में भी आ गया हूँ और ये मैं अभी यहाँ से नबन्ना की तरफ ये रास्ता जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मैंने कुछ सिक्योरिटी रीज़न के मैं ट्रैफिक पुलिस कुछ चेकिंग कर रहा था। और ये अब ये भी देख सकते हैं, देखिए ये नॉर्मल डे में बहुत भीड़ रहती है इस रोड में, मगर अभी इसमें अभी कोई भी गाड़ियाँ नहीं है, एकदम शांत पड़ा हुआ है पूरा शहर, पूरा ये रोड। और ये रास्ता आपको मालूम होना चाहिए ये कि ये रास्ता नबन्ना की तरफ जाता है जिसमें ममता बनर्जी बैठती है। ये रास्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये रास्ता आपका विद्यासागर सीटू की तरफ भी जाती है और ये इतना बिजी, बहुत ही मैंने बिजी रहने वाला ये रोड है। यहाँ पे कुछ रास्ता थोड़ा सा ख़राब दिख रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ये विद्यासागर सेतु को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है ब्रिज को। और ये आपका ये भी है, यहाँ पे भी आप ट्रैफिक देख सकते हैं, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल सा एक आध दो गाड़ी चल रही है, बाकी कोई गाड़ी है नहीं, नॉर्मल है। पूरा शांत पड़ा हुआ है पूरा ये। अब हम कुछ देर में ही जो है आपका टोल टैक्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ टोल टैक्स आ जाएगा। और यहाँ पे भी अप डाउन दोनों तरफ ही कोई ट्रैफिक नहीं है, नॉर्मल एकदम लाइट ट्रैफिक चल ट्रैफिक है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये रास्ता
कलकत्ता से हावड़ा की तरफ, और ये रास्ता डायरेक्ट हाईवे को जोड़ती है। ये रास्ता टोल टैक्स होते ही हुए ये आपका रास्ता ये कोना एक्सप्रेस की तरफ जाकर और आपका ये रास्ता डायरेक्ट हाईवे में जाकर के दिल्ली मुंबई चेन्नई वगैरह बहुत सारे हाईवे को ये जोड़ देती है ये रास्ता। और ये बहुत ही मैंने इम्पोर्टेंस रास्ता है, कलकत्ता हावड़ा और हाईवे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यहाँ पे। और हम पहुँच चुके हैं टोल टैक्स के तरफ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ टोल टैक्स में बाइक वालों के लिए जो बाइक्स जो हैं वो उसको मैंने आपका टोल टैक्स देना नहीं पड़ता है। ये आपका एक अलग लाइन बना हुआ है, एक अलग लाइन से आप निकल सकते हैं। कोई सरकार की तरफ से भी कोई टोल टैक्स नहीं है, आप नॉर्मल जा सकते हैं, कोई फीस नहीं लगता इसमें। और आप देख सकते हैं कि ये आपका नवन्ना है, सेक्रेटरेट ऑफिस कहते हैं इसमें इसको। और यहीं पे ममता बनर्जी जो अभी थर्ड टाइम सीएम बन चुकी है 2021 में, और वो यहीं आपके सामने जो बिल्डिंग देख रही है इसी में बैठती है ममता बनर्जी। यहाँ आप दाहिने जानी भी देख सकते हैं नवन्ना को, एक खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत 14 या 15 फ्लोर का बना हुआ ये बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा। और ये मैं अब इस रास्ते से हावड़ा स्टेशन की तरफ जाऊंगा। ये रास्ता एक रास्ता यहाँ से आपके दाहिने तरफ से डायरेक्ट ब्रिज को चल जाती है, और एक रास्ता लेफ्ट से ये हावड़ा स्टेशन की तरफ जाती है रास्ता ये। हम जो है यहाँ इस रास्ते से डायरेक्ट शिवपुर की तरफ उतरेंगे, और शिवपुर हावड़ा स्टेशन की तरफ। और यहाँ पे यह शिवपुर में एक बहुत बड़ा मॉल है, अग्नि मॉल कहते हैं इसको, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत नामी है ये आपका मॉल है। अभी लॉकडाउन की वजह से इसमें कोई भी गैदरिंग नहीं है, बल्कि मॉल भी बंद है और अब कोई भी पब्लिक नहीं है इसमें। खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे। और ये आप जो है ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये आप गंगा नदी है, ये आप हुगली ब्रिज, और दाहिने साइड में आप बाएं साइड में शहर भी दिख रहा है, प्लस ये बाएं साइड में हावड़ा स्टेशन भी पड़ता है, हावड़ा ब्रिज भी है। उसके बाद जो है वो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद हम लोग जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये जो है ये आपका रेल म्यूज़ियम है ये हमारे बाईं साइड में। ये रास्ता सीधा हावड़ा स्टेशन को चले जाती है ये। ये हम पहुंच गए हैं हावड़ा स्टेशन की तरफ, और ये आप देख सकते हैं ये नेशनल फ्लैग को हमारे दाहिने तरफ में है नेशनल फ्लैग, हावड़ा ब्रिज। ये यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ट्रैफिक नहीं है, जबकि यहाँ पे ये आप फुल गैदरिंग रहता है, बल्कि अभी लॉकडाउन की वजह से कोई भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, पूरा शांत पड़ा होगा ये। आप यहाँ देखिए ये नेशनल फ्लैग है।
बड़ा स्टेशन पूरा शांत पड़ा हुआ है पूरा। कोई भी ट्रैफिक नहीं है यहाँ पे, ट्रेन चल रही है मगर जो है आपका कोई भी, मैंने बहुत नॉर्मल पैसेंजर है उसमें, और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ही खाली पड़ा हुआ है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, कोई पैसेंजर नहीं है, बहुत ही कम। और अब हम इसके बाद जो है हावड़ा स्टेशन के हावड़ा ब्रिज की तरफ जाएंगे। अब ये हावड़ा ब्रिज देख सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से हावड़ा ब्रिज के ऊपर जाएंगे। आप एक खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज का। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी ट्रैफिक नहीं है, बल्कि कुछ कुछ गाड़ियाँ चल रही है, जैसे कि आपका उबेर ओला वगैरह चल रही है, जोमेटो। आप देख सकते हैं पूरा ही शांत पड़ा हुआ है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रैफिक नहीं है। नॉर्मल डे में ये हावड़ा ब्रिज में इतना ट्रैफिक रहता है कि आपको एक लाइन से अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको टाइम लगता है। और ये आप देख सकते हैं गंगा नदी है उसके हावड़ा ब्रिज के नीचे में। एक खूबसूरत सा नज़ारा है हावड़ा ब्रिज का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे।